चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इंडियन कल्चर से लिए हैं क्वेश्चंस, और यानी कि आपकी भारतीय संस्कृति से लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस या तो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वन डे एग्जाम में, जैसे आपका SSC, बैंक, रेलवे। वन डे एग्जाम का कहने का मतलब होता है कि जो एक दिन में पेपर होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस जिस भी परीक्षा में आपके पूछे जाए उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं आपके। तो या तो पूरी पूछने की संभावना है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, हम लोगों ने भी किरण सामान्य ज्ञान बुक्स में कवर किया हुआ है आपका पूरा, तो उसका एक निष्कर्ष कर देते हैं कि इन क्वेश्चन से आपके पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग अभी तक 17 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 18वां टेस्ट है। चलिए, तो 18वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी? तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा, नाजी नजरुल इस्लाम। नाजी नजरुल इस्लाम, ये आप जानते हैं कि प्रसिद्ध बंगाली कवि, संगीतकार और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने फांसीवाद और उत्पीड़न के खिलाफ शक्तिशाली आध्यात्मिक विद्रोह का आह्वान भी किया था। ठीक है, उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, आप लोग भारत में भी सम्मान दिया जाता है उन्हें। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता का। भारतीय संग्रहालय कोलकाता का सबसे बड़ा संग्रहालय, और इसके जिसे आपने देखा होगा कि 1878 में खोला गया था। कब? 1878 में। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा? निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय गान अमार सोना सोनार बंगला लेखा? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, पश्चिम बंगाल यहाँ गलत कर दिया है, उन्हें बांग्लादेश करना चाहिए था। एक बात आप जानते हैं कि जो अमार सोनार बंगला है, ये आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। कहाँ का? बांग्लादेश का। तो याद रखिए, बांग्लादेश का आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, ये किसने लिखा था, इसके रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। ठीक है, इन्हें आपने देखा होगा कि इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और भी इनके बारे में अगर आपको जानना है, तो वैसे इन्हें सबके बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग जान लीजिए। इनके जन्म की अगर बात करें हम लोग, तो 1861 में हुआ था, और इनकी मृत्यु की बात करें यानी कि डेथ की, तो 1941 में आपको इनकी मौत हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका अप्रैल में मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल को। अप्रैल में 14 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि और वसंत विषुव में प्रवेश करता है, और इसी दिन इसे मनाते हैं 14 अप्रैल। ठीक है, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य हैं? हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य हैं? तो ये दोनों पश्चिम बंगाल के हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के, अपने ही देश का एक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, आप सभी लोग बताना है आपको नीचे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा, जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म भी बनाई? निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा, जिसके आधार पर आपने देखा है कि सत्यजीत रे ने इसी नाम पर एक फिल्म भी बनाई थी? तो ये थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय, यानी कि बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल आपका
सही है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बारे में कुछ इनके जन्म के बारे में बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 12 सितंबर 1894 में, 12 सितंबर 1894 में। इनकी डेथ हुई थी, यानी कि इनकी मौत हुई थी 1 नवंबर 1950 को। ठीक है। क्वेश्चन है अगला अगला, मत्तूर गांव जहाँ के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, किस प्रदेश में है? ये भी आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है। आंध्र प्रदेश में है, सॉरी, ये आपका मत्तूर गांव कहाँ है? कर्नाटक में देखने को मिलेगा आपको। कहाँ? कर्नाटक में। यहाँ के लोग क्या करते हैं? संस्कृत भाषा में बोलते हैं, बात करते हैं, आप समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? ये आपका गोवा में देखने को मिलेगा। कहाँ? गोवा में। याद रखिए, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक ईसाई गिरजाघर है। क्या है? ईसाई गिरजाघर है जो आपका गोवा में देखने को मिलेगा। इसके निर्माण की बात करें तो 1594 से 1605 के बीच हुआ था इसका निर्माण। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? छत्तीसगढ़ का। यानी कि जो मड़ई त्योहार है छत्तीसगढ़ का एक त्योहार है जो आदिवासी त्योहार है। याद रखिए, आदिवासियों से आपका क्वेश्चंस हर परीक्षा में एक नए क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जनजाति जो भी चर्चा में रहती है उनके बारे में भी याद रखिए, और इनके जो भी त्योहार हैं उन्हें भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि एमपीपीएससी में आपने देखा है या एमपी के किसी भी और एग्जाम में देखिए, अधिकतर क्वेश्चंस आपके इसी तरह के पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्राग ज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है? ये है आपका असम का। असम का पुराना नाम क्या है? प्राग ज्योतिष। चलिए, असम की राजधानी मैं बता देता हूँ, वैसे पूछ तो आपसे ही जाना चाहिए। दिसपुर है इसकी राजधानी। क्या है? दिसपुर। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है ये। ठीक है, याद रखिए असम। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने राजस्थान की ओसियान मंदिर बनवाए? निम्नलिखित में से किन राजाओं ने राजस्थान के ओसियान मंदिर बनवाए? तो ये आप जानते होंगे, पितिहार राजाओं ने बनवाए थे। किसने? पितिहार राजाओं ने। आपका क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है, किस राज्य में है? ये आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा। किसमें? राजस्थान में। गलियाकोट 10वीं शताब्दी में वहाँ रहने वाले बाबजी मौला सैयद फखरुद्दीन के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। ठीक है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भामकल्पम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित में भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? तो यह है कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। ये आपका कुचिपुड़ी कहाँ कहाँ मनाया जाता है? याद रखिए, आपका उड़ीसा में भी मनाया जाता है, तेलुगु यानी कि हैदराबाद में भी आपको मनाने को देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, कुचिपुड़ी। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दीमापुर। दीमापुर
वैसे आप देखेंगे भारत में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये आपका उदयपुर, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र थंजावुर, और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर। ये 7 आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इनसे आपके क्वेश्चंस किसी भी तरह के बन सकते हैं, इन सबको याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? तो ये है वारकरी संप्रदाय, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? यह आपका किशनगढ़ चित्रकला से, ए ऑप्शन सही है। इसकी रचना की बात करूं अगर हम लोग, तो निहाल चंद ने की थी इसकी। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधे सिंघे खबाब्स किस प्रदेश का त्यौहार है? यह आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर का। सिंघे खबाब्स को सिंधु दर्शन भी कहा जाता है। यह 2001 में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। अगर आपसे जम्मू कश्मीर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या लगाएंगे? जम्मू कश्मीर। आपका लद्दाख अगर अलग से आता है तो आप लद्दाख पर टिक लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के बारे में अभी कुछ ज़्यादा आंकड़े हमारे पास नहीं है, तो 2021 की जो जनगणना होगी उसके आंकड़े आएंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं है कि विधानसभा जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा है उसमें सदस्य कितने होंगे, तो ये सब जानकारी आपको 2021 की जनगणना या चुनाव होता है वहाँ तब भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये सही है आपका। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवाती घराने से ताल्लुक रखते हैं, मेवाती। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं, ठीक है। पंडित जसराज, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। क्या लगाएंगे आप लोग? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा, मुझे लगता है कि अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। आपको मालूम होगा कि अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे, उनका जन्म हुआ था कासगंज जिले के पटियाली में। उन्होंने भारतीय संस्कृत शास्त्रीय संगीत में अरबी और फारसी का समावेश किया। उन्हें ख्याल और तराना का संस्थापक भी मानते हैं, उन्हें कव्वाली का भी हम लोग संस्थापक मानते हैं, ठीक है। और कब की बात है? 1253 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हुई है 1325 में, ठीक है। तो याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन से बनते रहते हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? संगीत, संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से आपका ये सम्मान दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान आपका सही है? आगा खां पैलेस पुणे में है, बिल्कुल सही है। भारत भवन भोपाल, अकाल तख्त अमृतसर, ये आपके सभी सही हैं। क्या है? सभी सही हैं आपके, सभी सही सुमलित हैं। तो आप डी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक
ठीक है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? प्रमुख घरानों के संस्थापक हैं सभी नीचे जो दिए गए हैं, इनमें हमें सही चुनना है। ग्वालियर घराना, नंथन खान, जयपुर घराना, अल्लादिया खान, आगरा घराना, हाजी इस्लाम खान, ये सभी सही हैं आपके, यानी कि इसमें भी आपका डी ऑप्शन होगा, ये सभी सही सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैंडी नृत्य जो रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए नृत्य का एक रूप है, निम्नलिखित देशों में से एक राष्ट्रीय नृत्य है, ये आपका श्रीलंका, श्रीलंका वही श्रीलंका है जो आपने देखा होगा कि रावण के बारे में सुनते रहते हैं। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले ही आपकी क्लास भी ली है पूरे राम के ऊपर, समझ रहे हैं कि हमें क्या सीख मिलती है, तो आप उसे भी जाकर देखते रहिए, आपकी टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी थी उसे, बहुत कुछ बताया गया उसमें। ठीक है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी ही है, श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? ये आप देखेंगे चिदंबरम मंदिर में, किसमें? चिदंबरम मंदिर में। वैसे आप जानते होंगे कि नटराज का मतलब होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव भगवान, ठीक है, ऐसे ही आप लोग नटराज कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संगीत के क्षेत्र में तानाशाही पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ये गुजरात सरकार के द्वारा दिया जाता है, किसके? गुजरात के, गुजरात का वडनगर ताना और रीरी नामक दो बहनों के लिए प्रसिद्ध है जिन्होंने गांव देवता से पहले गायन की परंपरा को बनाए रखने के लिए अपनी जान का त्याग किया और उन्हें अकबर के दरबार में गाने के को बाध्य किया गया, किंतु उन्होंने आने आने का जीवन बलिदान दे दिया था अपने लिए, उन्हें उन्हीं की याद में एक तरह से आपका रीरी ताना रीरी पुरस्कार दिया जाता है गुजरात सरकार द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है? ये आपका असम का है, वैसे इसे आप लोग बिहू के नाम से जानते हैं, तो आप देखेंगे अप्रैल की मध्य अप्रैल में मनाया जाता है ये त्यौहार, बसंत ऋतु से संबंधित है। ठीक है, कहाँ? असम। अगला क्वेश्चन है, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जिस समय तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाते हैं उस समय उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो उस समय मकर संक्रांति मनाई जाती है उत्तर भारत में, ठीक है, जिसे आप लोग बुंदेलखंड में बुड़की कहते हैं। अपने अपने क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं आप लोग नीचे कि आपके क्षेत्र में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं देसी भाषा में। क्वेश्चन है आपका, उदार मुद्रा और तार शब्द प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उदार मुद्रा और ताल शब्द प्राचीन भारतीय ग्रंथों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपके संगीत से संबंधित हैं या किससे संबंधित हैं? ये आपके किससे संबंधित हैं? उदार मुद्रा, ये आपका संगीत से संबंधित है, किससे? संगीत से, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वैदिक दर्शन पर लंबी बहस में हार के बाद निम्नलिखित में से कौन आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए और बाद में श्रृंगेरी मठ की पहली मुखिया भी बन गए? तो इन्हें आप देखेंगे कौन थे, तो ये थे मंडन मिश्र ने आदि शंकराचार्य से मंडलेश्वर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में शास्त्रार्थ किया जिसमें हारने के बाद वो अपनी पत्नी सहित शंकराचार्य के शिष्य बन गए थे। ठीक है, क्या है? डी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, विष्णुपुर
जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस पे देश में है? यह आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल है टेराकोटा आर्मी किस देश में है? ये आपका चीन में है। कहाँ? चीन में। चीन के जो पहले सम्राट क्वीन सी हुआंग की सेनाओं को दर्शाते हुए टेराकोटा मूर्तियों का संग्रह है, इसे हम लोग टेराकोटा आर्मी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे, प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ ये है? ये एलिफेंटा में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? एलिफेंटा में देखने को मिलेगी, एलिफेंटा गुफा में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है आपकी। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? तो ये 1977 की बात है। कब? 1977 की, 1977 में। ठीक है, यूनेस्को जो भी आपके महत्वपूर्ण संगठन है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, सबके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। तो यूनेस्को शब्द आया हुआ है तो इसके बारे में भी बता देता हूँ। इसका पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार आपका। हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और इंग्लिश में से इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, और भारत 1946 में इसमें शामिल हुआ था। और हेडक्वार्टर की बात करूँ तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसके हेडक्वार्टर आपके कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं संगठनों के। ठीक है, तो सभी संगठनों को आप बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? कुंभ मेला भारत में कैसे लगता है? ये आपका 4 स्थानों पर लगता है 12 वर्ष में, 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में। ये 4 स्थान कौन से हैं? इनसे भी आपके क्वेश्चन से डायरेक्ट बन गए कई बार। तो प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। दूसरा उज्जैन मध्य प्रदेश में, ये आपका छिपरा सिपरा या छिपरा नदी के किनारे पर लगता है उज्जैन में। ठीक है, नासिक में लगता है महाराष्ट्र में, एक गोदावरी नदी के किनारे लगता है, और हरिद्वार उत्तराखंड में, महाराष्ट्र हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे। तो याद रखिए, प्रयाग इलाहाबाद में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, हरिद्वार उत्तराखंड में, इन 4 जगह लगता है। ठीक है, याद रखिए, इनसे भी आपके क्वेश्चंस किसी भी तरह के पूछे जा सकते हैं, तो सभी तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन हमारा अगला, हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में है? ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। कहाँ? लद्दाख में। इसे हेमिस मठ भी कहते हैं आप लोग। यह एक बौद्ध मठ है। इसका निर्माण 1630 में स्टैक संघ रास्पा नंबाग 1100 ने किया था। बड़े नाम अजीब होते हैं। ठीक है, लद्दाख में। क्वेश्चन एंगल हमारे सामने, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? हमारे प्यारे भारत में। कहाँ? हमारे प्यारे भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो एक कर्नाटक संगीत के। किसके? कर्नाटक संगीत के। और इनका निधन आप देखेंगे, इनका निधन हुआ था कब? 12 नवंबर 2016 को। और जन्म आपके दिमाग में आएगा कि जन्म कब हुआ था, तो 6 जुलाई 1930 को। और इनका डेथ हुई, आपको याद रखना चाहिए, 22 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने,
नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में, कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक कन्नड़ सिनेमा के लिए, कन्नड़ सिनेमा के लिए, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया था? अकबर ने, ठीक है, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में है और मुगल काल का है और अकबर ने बनवाया था इसे, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टावर ऑफ साइलेंस भारत की किस धर्म से संबंधित है? टावर ऑफ साइलेंस भारत की किस धर्म से संबंधित है? यह पारसी धर्म से संबंधित है। किससे? पारसी धर्म से। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म की 838 मंदिर स्थित हैं? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर आप देखेंगे एक विशेष धर्म के लिए 838 मंदिर स्थित हैं? ये आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। कहाँ? गुजरात में। किस धर्म के? जैन धर्म के। ये आपके गुजरात के पाली ताना में देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखिए, जैन धर्म से संबंधित है। पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य या नाटक है? यह आपका छत्तीसगढ़ का। आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून के सहयोगी के रूप में निम्नलिखित भारतीय चित्रकारों में से कौन सा चुना गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये थे अमृता शेरगिल। ये भारत की चित्रकार थी, उन्हें 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। और याद रखिए, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 को और इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1941 को, ठीक है, तो याद रखिए इसके बारे में भी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डुंडी राज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित हैं? डुंडी राज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित हैं? दादा साहब फाल्के हिंदी फिल्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनका असली नाम है डुंडीराज फाल्के, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है, आप तो जानते रहते हैं। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? यह है आपका किसान कन्या, जिसे आप लोग किसान कन्या भी बोल देते हैं। किसान कन्या सादत हसैन मंटो द्वारा लिखित और आर्दी सिर ईरानी द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। यह 1937 की बात है, 1937 में रिलीज हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, चोर टेन किस धर्म से संबंधित है? यह आपका बुद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बुद्ध धर्म से, ठीक है। आप देखेंगे कि उत्तर पूर्वी भारत और तिब्बत में आपको चोर टेन बुद्ध स्तूपों को कहा जाता है। बौद्ध धर्म हमारा सबसे पुराना, आप देखते हैं, बहुत पुराना धर्म है। इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की है, फिर चाहे आपके महावीर स्वामी हो, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, एक तरह से आप कहिए कि इनके कारण ही जैन धर्म को महारत हासिल हुई है। बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं, इन सब के बारे में बायोग्राफी कवर की गई है, तो बायोग्राफी के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें जाइए, आपके देश के जो भी नेता रहे हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सबके बारे में बताया गया है। एक मेरा उद्देश्य यही था कि आपको जानना तो चाहिए हमारे देश में आज के नेताओं में फ़र्क क्या है, उस समय के नेताओं में फ़र्क क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो ये आपको रत्नागिरी देखने को मिलेगा। सेवन बेलगोला कर्नाटक में,
पालीताना गुजरात में और खंडगिरी उड़ीसा में स्थित जैन धर्म है, ठीक है। और रत्नागिरी, एक बात मुझे समझ में, पता है कई बार गलत कर बैठते हैं लोग, ये आपका रत्नागिरी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। क्या? रत्नागिरी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसमें आपका क्या होना चाहिए कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। सेवण बेलगोला आपका संबंधित है, पालीताना भी संबंधित है, खंडगिरी भी संबंधित है, लेकिन रत्नागिरी जैन धर्म से संबंधित नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे ये आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, और सेवण बेलगोला है ये आप देखेंगे कर्नाटक में देखने को मिलेगा, पालीताना आपका गुजरात में देखने को मिलेगा, और खंडगिरी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में। चलिए मिसप्रिंट हो जाता है, क्या कर सकते हैं, इतना भारी भरकम बता तो देता हूँ। वैसे भी आप लोग अगर भूल जाता हूँ कहीं इस तरह की बताने में, तो आप भी सुधार के बता दिया करिएगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? भारत में किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जिसे आप लोग हृदय प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, समझ रहे हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था आपका 18वां टेस्ट। चलिए 19वें टेस्ट में हम लोग मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग एक तरह से ऐसा करिए, घोर के पी जाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं आपके, ठीक है।